ओम शांति। और दादी संगठन की शक्ति को बहुत महत्व देती थी, कहती थी अगर बिल्डिंग से किले से एक ईंट खिसक जाएगी तो बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारा जो यज्ञ है ये बहुत बड़ा किला है और इस किले के अंदर इतनी हम सुरक्षित बैठे हुए हैं जहाँ माया का भी वार नहीं हो, लेकिन अगर एक ईंट ढीली पड़ी, एक ईंट खिसक गई तो यहाँ कमज़ोरी आने के चांसेस हैं। तो कभी भी किले को ढीला नहीं करना है, मजबूत बना के रखना है। और दादी तो बिल्कुल एकदम शक्ति भी थी, देवी थी, तो माँ का भी बहुत बड़ा रोल था, माँ स्वरूपा थी। राजस्थान की जो रेलवे लाइन थी वो बहुत पहले छोटी लाइनें थी, मीटर गेज था, उस पर बड़ी ट्रेनें नहीं चल सकती थी, फास्ट नहीं चलती थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट उसको ब्रॉड गेज बना रहा था। जब तक रेलवे लाइन बड़ी बने, ट्रेन चले, तो हम लोग कैसे जाएं, तो रूट को चेंज करके गए। जैसे कानपुर से हावड़ा, वहाँ चले गए हावड़ा, जोधपुर से जोधपुर, जोधपुर से भाड़े की टैक्सी ली, तो टैक्सी वाले ने थोड़ा आने में देर किया और मैं थी, मेरे साथ इलाहाबाद की मनोरमा बहन जी थी, हम दोनों टैक्सी में बैठे, बहने बहने और कोई नहीं था। दादी इंतज़ार कर रही थी कि ये दो कुमारियाँ अकेले टैक्सी में आ रही हैं, इतना लंबा जोधपुर से रास्ता है, तो दादी को फिक्र लग गई। और हम लोग सोचे हम तो ठीक आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, हमारा सोच इतना चला नहीं जितना दादी का चल रहा था। थोड़ा देर हो गया, अंधेरा, देर रात हो गई और दादी हम दोनों के इंतज़ार में पांडव भवन के चांदनी चौक का जो थल्ला बना हुआ है उसी पे बैठी रही। सारे पांडव भवन के भाई बहन विश्राम करने रात को चले गए, परंतु दादी नहीं गई। और जैसे टैक्सी आके खड़ी हुई, दादी दौड़ के गई जैसे कोई बिछड़े हुए बच्चे के पास जाता है, और वहाँ पे खुद टैक्सी का गेट खोल के और हाथ पकड़ के निकाल के कहती है, मुठियाँ तुमने तो मेरा खून ही सुखा दिया, अरे कहीं पीसीओ से एक फ़ोन तो कर देती, मेरे को तसल्ली तो हो जाती। तो दादी कितना फिक्र करती थी अपने बच्चों का, दिल से जिगर से। तो एहसास हुआ कि देखो दादी तो रात को जाग रही है, सब भाई बहन सो रहे हैं और हमारी चिंता में जागृत है। और कितने प्यार से गले लगाया कि अरे फ़ोन तो करती थी एक कम से कम। तब से महसूस हुआ कि कहीं भी जाना है मुझे, तो टैक्सी को रोक करके पीसीओ बहुत सड़क के किनारे मिल जाते हैं, फ़ोन ज़रूर कर देना चाहिए। तो देखा कि दादी का कितना प्यार है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं दादी के साथ में।